नमस्कार, स्वागत है आपका आर नाइन टीवी में और मैं ऋतुपेश। और इस वक्त की खबर आपको बता दें, अपडेट आपको उन्नाव मामले से कर दें, जहां पर कहा जा रहा है कि पीड़िता की हालत जो है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है। कहा जा रहा था कि पहले बुखार था, लेकिन अब निमोनिया की शिकायत भी यहां पर पीड़िता को हो गई है, जिसके बाद इलाज में लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको यहां पर बता रहे हैं उन्नाव रेप के इस पूरे मामले को लेकर। और इसके साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि कल जिस तरह से सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ की थी, उसमें कई अहम सवाल कुलदीप सिंह सेंगर से किए गए हैं। तकरीबन 6 घंटे तक ये पूछताछ यहां पर कुलदीप सिंह सेंगर से चलती रही है। तो कई सवालों के जवाब यहां पर मिल गए हैं, लेकिन कई सवालों के जवाब अब भी मिलना बाकी है, जिसको लेकर आगे भी सीबीआई यहां पर कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ कर सकती है। लेकिन केजीएमयू में जिंदगी और मौत से जो जूझ रही है पीड़िता, उसकी हालत फिलहाल अभी भी गंभीर बनी हुई है। देखना ही होगा कि क्या अब ये वो वक्त आ गया है कि जब पीड़िता को कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो आर9 टीवी के साथ आप आगे भी बनी रहिएगा तमाम अपडेट्स के लिए।